सद्य खाना कोई सिंपल काम नहीं है, हाईली रिचुअलिस्टिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी कहानियाँ एक साथ जुड़ के आती हैं जो एक पूरा कल्चर रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर मैं सद्य के बारे में आपको सब कुछ बताने के लिए बैठ जाऊँ तो शाम हो जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी फॉर्मेलिटीज़। लेकिन बहरहाल मैं आपको इतना समझा सकता हूँ कि अब जो हमने किया है बिल्कुल गलत किया है, जो आप देख रहे हैं वो ठीक नहीं है साहब, बहुत गलत है, क्योंकि हमने सारे आइटम्स एक साथ मंगवा के रख लिए हैं। अव्वल तो शुरुआत होती है थोड़े से राइस के साथ, यहाँ से अचार डलने शुरू होते हैं। चार किस्म के अचार हैं, सारे इन हाउस बनाए गए हैं। ये है जिंजर, नॉट टू गुड, नींबू, आम और मेरे ख्याल मैंगो है और गूसबेरी है। इसके अलावा फिर चटनियाँ आती हैं यहाँ पर, ये क्यूकम्बर है, बीटरूट है, कोकोनट है, पाइनएप्पल है, गुड फॉर डाइजेशन, अवियर बीटरूट पोरियल, पोटैटो की करी ओवर हियर। यहाँ पे पहली तरफ दो किस्म के राइस डलते हैं, एक में डलती है दाल, एक में डलता है सांभर। दाल के ऊपर आप क्रश करके पापड़ डाल के मुँह में डालते हैं, उसके बाद बाकी सर्विस कम्प्लीट की जाती है जब आप खाने का टेस्ट अप्रूव करते हैं। तो ऐसी बहुत और कहानियाँ हैं, लेकिन सिंपली हमने सारी कहानियाँ कर ली एक थाली खाली। अब ये मेरी दूसरी सद्य है, इसमें मैंने सब कुछ एक साथ मंगवा लिया ताकि आपको मैं आराम से दिखा सकूँ। एंडिंग में जो होता है आपका, आपको मिलते हैं चार किस्म के पायसम। यह है अड़ा प्रदम, ये है कडला पायसम या चने का पायसम, यह है वीट पायसम, सेमिया और पूरन पोड़ी। इसके बाद एक कड़ी है यहाँ पर केरला स्टाइल, इसे डाला जाता है एक बंच ऑफ राइस के ऊपर। ये है रसम, इसे डाला जाता है दूसरे बंच ऑफ राइस के ऊपर। और ये है बटर मिल्क, इसे डाला जाता है तीसरे पीस राइस के ऊपर, वन बाय वन, जैसे मिस्टर सनल बोल के गए हैं, और पिया जाता है। मेरा जो स्टाइल है सारा गलत है, मेरे स्टाइल पे मत जाइएगा, जितना प्लेजर मैं ले रहा हूँ खा के उस पर जाइएगा। यहाँ पर अच्छी बात है, जो भी गुजर रहा है मुझे सिखा रहा है कि कैसे खाना चाहिए, बड़े प्यार से। सो दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट हैविंग अ सद्य इन केरला। फ्लेवर्स ऑफ केरला आर फैंटास्टिक, और यहाँ पे खाने में सारे छह रसों का इस्तेमाल किया जाता है। मिस्टर सनल जो है ओनर, 2009 में उन्होंने शुरू करी थी ये जगह, 14 साल पहले, क्योंकि बिजनेस जो थे थोड़ा ठीक नहीं चल रहे थे, टीचर थे फ्रॉम अ फैमिली ऑफ टीचर्स, दैट वॉज नॉट गोइंग टू वेल। तो उन्होंने ये जगह शुरू करी, मदर्स वेज प्लाजा से बुलाया गया, क्योंकि माँ का जो प्यार होता है खाने में जो डालती हैं, आपकी मदर, मेरी मदर, सारी मदर्स, वो इनकम्पेरेबल है। तो मदर्स वेज प्लाजा, और इतने ऑस्पिशियस नाम के साथ पॉपुलर तो होना ही था। 365 डेज आपको यहाँ मिल जाएगी सद्य, मदर्स वेज प्लाजा, बहुत ही खास जगह है। सद्य अगर आप खाएंगे तो प्योर वाली खाइएगा, एक स्पेशल सद्य भी मिलती है, उसमें आपको पनीर और भी और थोड़ी सी नॉर्थ इंडियन फ्लेवर्स मिल जाएंगे, चपाती, सूप, वो मत खाइए, दिस इज़ द प्योर सद्य। तो खाने में तो मज़ा आएगा ही, कल्चर के बारे में सीखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड में पायसम में किसी में बनाना किसी में पापड़ मिक्स होता है टू गेट द रियल फ्लेवर्स आउट। खाइए, इन्जॉय कीजिए, और जब यहाँ आए तो ये सब ज़रूर खाइए। छह रस हैं जो आपकी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, कूल रखते हैं इतने गर्म क्लाइमेट में। लेकिन कूल रहने का सिर्फ ये तरीका नहीं है, कूल रहने के दो और तरीके हैं। अगर आप इधर आएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर वन, मेरी तरह लुंगी पहनी है हमेशा, विच इज़ वेरी कूल। एंड नंबर टू, मेरी पैरागॉन चप्पल्स, यानी स्टाइल एंड कूलनेस ऑल रोल्ड इनटू वन। तो देखिए, जब गर्मी इतनी ज़्यादा हो जूते पहनना तो इम्पॉसिबल है, जीन्स और जूते पहन के अगर आप आएंगे तो आप बॉयल करके अंडे से बन जाएंगे। तो माय सजेशन, लुंगी ज़रूर पहनिए और पैरागॉन चप्पल ज़रूर पहनिए, जो आपको कीप लगेंगे एलिगेंट और कूल एंड लाइट वेट, यानी घूमने फिरने में परफेक्ट। और अगर बाहर बारिश हो रही है और आपकी चप्पल्स गीली हो जाती हैं, नो प्रॉब्लम्स, दिस इज़ पैरागॉन। अंदर आते ही दो मिनट में सूख गई और आप और आपकी चप्पल पूरे दिन के लिए फिर से तैयार। तो ख़त्म करते हैं सद्य, बाहर जाके मैं आपको लोकेशन के बारे में और कुछ बताता हूँ, और ऑफकोर्स अपनी पैरागॉन चप्पल्स के बारे में। दिस फूड डिलीशियस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, और घबराइएगा मत, जिस तरह से खाना है खा लीजिएगा। तो बेकरी जंक्शन में इस टाइम खड़े हैं, लेकिन जब आप मदर्स वेज प्लाजा में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा नॉर्थ इंडियन फूड, आपको मिल जाएंगे डोसे, आपको मिल जाएगा मल्टी क्विजीन, चाइनीज़ एक्सेट्रा। हालांकि हमने सिर्फ सद्य खाई, और सद्य खा के मन और तन में पड़ गई है ठंड, और कूलनेस की दूसरी बात, मेरी पैरागॉन चप्पल्स देखिए जी, फिट फॉर ऑल टाइम्स। पैरागॉन अशोर करती है
मेन वेमेन और चिल्ड्रन के लिए वर्ल्ड क्लास फुटवेयर, और पैरागॉन का साइज और स्केल जो है इसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। पैरागॉन मैन्युफैक्चर्स 4 लाख पेयर्स ऑफ फुटवेयर पर डे, वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो हैरानी की बात, और आप पैरागॉन को जहाँ भी जाएँ, जब भी चाहें, कहीं भी चाहें पहन सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। सही जगह के लिए सही ड्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ। गर्मी में मेरा हाल तो काफ़ी बुरा होता है, लेकिन अगर मेरी पैरागॉन चप्पल ना होती और अगर मेरी लुंगी ना होती तो आई वुड हैव बीन मच हॉटर। एक्चुअली अच्छी बात है कि बुरी बात है मुझे पता नहीं, हॉट तो अच्छी चीज़ होती है, बुरी भी होती है।